यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट में केंद्र सरकार के लिए अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी। 370 को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव पास। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास। ग्रेटर नोएडा में स्थापना को मिली मंजूरी। रिंध जल परियोजना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। जमीन सुधार के लिए जिप्सम के प्रयोग को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर भी प्रस्ताव को मंजूरी। यूपीआरटीआई में प्रथम संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी। ग्रीन अर्थ में यूपी को आगे ले जाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। 70 साल पहले जो भूल की थी, ऐतिहासिक भूल की थी जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसको कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री जी ने जो वो प्रस्ताव रखा राज्यसभा में, उससे एक वो ऐतिहासिक भूल का सुधार हुआ है और पूरा देश आज गदगद है और देश के अंदर खुशी है और जम्मू कश्मीर का सही माने में आज 70 साल बाद आजादी हुई। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक कदम बताया। कैबिनेट में केंद्र सरकार के लिए अभिनंदन प्रस्ताव भी पास किया गया। आज कैबिनेट के अंदर भी हम लोग की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रस्ताव रखा और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का इसका अभिनंदन किया। योगी कैबिनेट की बैठक से पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूर किया गया। R9 TV के लिए लखनऊ से राजेश सोनी की रिपोर्ट।